कैश कलेक्शन करने जा रहे युवक को गोली मारकर नकदी लूटकर फरार हुए चार आरोपियों को गुरुग्राम पुलिस ने गिरफ्तार किया है। एसीपी क्राइम की माने तो पुलिस को जानकारी मिली थी कि गलेरिया मार्केट में एक युवक को गोली मारकर कैश लूट लिया गया है। इस सूचना पर थाना सेक्टर 29 गुरुग्राम की पुलिस टीम घटनास्थल पर पहुंची, जहां पर महेंद्र सिंह नाम के युवक ने बताया कि गुरुग्राम में स्थित एक प्राइवेट नौकरी के लिए कैश कलेक्शन करने का काम करता है। रोजाना गलेरिया मार्केट सहित गुरुग्राम में विभिन्न दुकानों से कैश कलेक्शन करके अपनी कंपनी के कार्यालय में जमा करता है। गुरुग्राम में विभिन्न दुकानों से करीब 4,29,687 रुपए कैश कलेक्शन करके सुपरमार्केट मार्केट जा रहा था। ये दिनांक 9 नवंबर को गलेरिया मार्केट के पास एक बाइक सवार व्यक्ति जो कैश कलेक्शन का काम करता था, वो विभिन्न जगह से पैसा इकट्ठा करके और आगे अपने गंतव्य के लिए जा रहा था, तो अचानक एक मोटरसाइकिल पे 3 लड़के सवार थे, उन्होंने उसको रोकना चाहा और उससे वो पैसे का बैग छीनने की कोशिश की। और जब उसने पैसे का बैग उनको नहीं दिया या मोटरसाइकिल नहीं रोकी तो उस पर 2 फायर कर दिए, और वो फिर उसका जब असफल रहे उसको छीनने में तो वो मोटरसाइकिल पे सवार होके वहां से भाग गए, जिसके संबंध में हमने एक केस सेक्टर 29 पुलिस स्टेशन में दर्ज करके और उसकी इन्वेस्टिगेशन शुरू की गई। ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन हमारी क्राइम ब्रांच सुशांत लोक DLF फेज 4 ने बेहतरीन काम करते हुए, इसमें शामिल जो 4 लोग थे, 3 जो मौके पे उस बाइक पे सवार थे वो और एक जो सूचना देने वाला व्यक्ति था, उनको सिरोल से गिरफ्तार करने में कल कामयाबी हासिल की। इसमें पूछताछ पे जो बात सामने आई, इनको ये इनमें से एक व्यक्ति सुदीप नाम का, वहाँ एक ग्रोसरी स्टोर था गलेरिया मार्केट में ही और उस पे ये काम करता था, और इसको इस बात की अच्छी तरह से पता था कि ये व्यक्ति जो है ना यहाँ से पैसे इकट्ठे करके कई जगह से और फिर आगे कैश कलेक्शन करने के बाद अपने वहाँ पे जमा कराता है और रास्ते में इससे पैसे इस तरह से हम छीन सकते हैं। तो इसने अपने गांव के ही और लोगों से, एक जिसमें से इसका सगा भाई भी है, उनको इस तरह की बात बता के तैयारी करके और उन्होंने इस घटना को फिर अंजाम दिया। हमने चारों को गिरफ्तार कर लिया है और पूछताछ पे ये भी बात सामने आई है कि इन्होंने वेपन जो खरीदे थे वो यूपी से खरीदे थे और बाइक भी वहाँ यूपी से ही ये किसी से मांग के लेके आए थे। वो सारी चीजों को रिकवर करने के लिए अभी हम आज इनको कोर्ट में प्रोड्यूस करके इनका पुलिस रिमांड सीक कर रहे हैं और उसके बाद आगे की इन्वेस्टिगेशन इसमें की जाएगी और जो जो और भी कोई किसी की इसमें संलिप्तता पाई गई उसको भी उसके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी।